गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ। कल की जो अपनी क्लास थी उसमें हमने वोवल्स का के बारे में पढ़ा था कि जो वोवल्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनके जो टाइप्स हैं उनको किस किस नाम से, अदर नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो उसको हल्का सा मैं रिपीट करवा देती हूँ। तो जो वोवल हैं वो टू पार्ट्स में हैं। फर्स्ट है मोनोथोंग एंड सेकेंड इज डिपथोंग। मोनोथोंग को हम प्योर वोवल भी कहते हैं क्योंकि वो प्योर होती है, किसी की मतलब उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, फ्री होते हैं, यानी कि वो और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, फ्री होते हैं वो। और वोकोइड यानी कि उस वोकोइड होते हैं जो बिना गले के, लिप्स के, टिथ के, इनके बोले जाते हैं, वो कहते हैं वोकोइड होते हैं। एंड सिंगल यानी कि वो सिंगल आते हैं, डबल तो आते ही नहीं है। और वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ऐसे ही डिपथोंग है। डिपथोंग क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं, ग्लाइड, कॉन्टॉइड। और जब जहाँ टू वोवल्स होते हैं वहीं पर क्या बन जाता है? डिपथोंग बन जाता है। और वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मैंने मोनोथोंग के लिए जो सिंबल बताए थे कि भी छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, ऊ ए आई, ये जितने भी हैं हमारे, इनके लिए जो सिंबल होते हैं। ओके, अब ये जो सिंबल हैं उनकी पहचान हम किससे करेंगे, है ना? फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सिंबल होते हैं इनको आइडेंटिफाई हम किससे करें। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है हमारा कि अगर आई इज़ कम, देखो आई इज़ कम इन ए वर्ड, तो साउंड इज़ प्रोड्यूस ई, छोटी ई। यानी अगर किसी भी स्पेलिंग में आई आता है तो वहाँ पर छोटी ई बनती है। किसी भी स्पेलिंग में, कोई भी स्पेलिंग हो, वहाँ पर अगर आई आ गया तो वहाँ छोटी ई की क्या बनती है? क्या बनती है? साउंड बनती है, ठीक है? और उस साउंड को हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? आई के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं ना। ओके, अगर अब नेक्स्ट देखो, बड़ी ई कैसे बनती है? अगर किसी भी लेटर में, सॉरी किसी भी स्पेलिंग में डबल ई आ जाए या फिर ई ए आ जाए तो वहाँ पर क्या बन जाती है? बड़ी ई बन जाती है। और अगर आई आता है तो छोटी ई बन जाती है। और अगर ये आता है तो क्या बन जाती है? बड़ी ई बन जाती है, ठीक है? इसका सिंबल क्या है? या तो ऐसे लिख दो या फिर इस पर डॉट लगा दो। और बड़ी ई का ऊपर डॉट लगाया और दो डॉट आगे लगा दिए। ओके, तो आई अगर आता है तो ये छोटी ई बन जाएगा, और अगर ये ई डबल ई आता है और ई ए आता है तो बड़ी ई बन जाएगा। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं। देखो, सिट सिट, बिग रिच रिप, है ना? बिग इसके एग्जांपल देखो आप, सिट जल्दी से बोले जा रहे हैं ना चारों, जैसे सिट। अब एस का सिंबल ये, आई का सिंबल ये। अब या तो इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एस आई टी, और फिर ये लगाने नेसेसरी हैं। ये जो आप दो डंडे लगा रहे हो ना, ये नेसेसरी होते हैं क्योंकि इसके बिना फिर सिंबल नहीं, वो नहीं आता है, फनेटिक नहीं आता है, उसको मतलब चेंज नहीं कहलाता है। ओके, तो अभी ये देखो, बिट बी का सिंबल ये छोटी ई का और फिर ये टी का। री रे का सिंबल ऐसे आएगा, री फिर आई ऐसे लगा दे, यानी छोटी की मात्रा जो है वो ऐसे आ जाएगी। अब भाई उसमें तो कैसे लगाते हैं अपन छोटी की हिंदी के अंदर? देखो हिंदी के अंदर छोटी, जैसे ई की मात्रा कैसे इधर वाली आती है ना, और बड़ी वाली मात्रा इधर आ जाती है, इधर आती है ना। ऐसे ही इंग्लिश में इस छोटी ई की मात्रा को आई बना देते हैं और बड़ी ई की मात्रा को आई बना के डॉट लगा देते हैं, बस। तो सिंपल। ओके, नेक्स्ट है अपना कि जो ई ए, यानी देखो डबल ई और ई ए, अगर किसी भी स्पेलिंग में डबल ई आ जाए या फिर ई ए एक साथ आ जाए तो उसमें हमेशा बड़ी ई ही बनती है, और उसका सिंबल होता है, अभी मैंने आपको बताया था, आई बना के डॉट डॉट लगा दो, ये उसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। अब जब देखो, सीट ई ए आया, अभी मैंने यहाँ कहा था ई ए आएगा, आया ना, तो इसका सिंबल क्या हो गया? एस आई टी, सीट। डीप, बोल के देखो बड़ी की मात्रा आ रही है, डीप। मीन, हीट, है ना, तो ये आपका
डीप वाला बन गया, ये मीन का बन गया और ये हिट का बन गया। ओके नेक्स्ट है अपना, अभी देखो मैंने कुछ आपको घर के लिए वर्क दिया है, ये ब्लैक पेन से करना और ब्लू से इसके आंसर कर लेना। ओके ये पहला है शिप, मिंट, जिप, निप, हिप, रिच, सीप। अब देखो एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो एस एच होता है ना, इससे ये वाला श बनता है, श श। जीभ को हल्के से अपने जो तालु होता है ना आपका ऊपर, उसके पास में लेके जाओ, श ऐसे बोलते हैं। और जो सह सलीट वाला सह होता है ना, ये वाला सह, उसके लिए अकेला श एस आता है, ठीक है। और जहाँ पर एस एच मिल जाए आपको, वहाँ पर श श ये वाला श बनता है। और ये वाला सह दांत के पास जीभ आती, स ऐसे वाला बनता है, ठीक है। तो जहाँ पर अकेला एस दिखे ना, अब ये देखो स, ये यहाँ देखो आप, ये वाला सिट सिट ऐसे बोला ना, और यहाँ पे देखो एस एच है, तो ये वाला बन गया और यहाँ पर ये वाला ये बन गया। ओके यहाँ ये इसका डिफरेंस होता है। अब जैसे जीप, बीट, रीट, ये आपको अपने घर के लिए दिए हैं, आपको करने हैं। ओके अपना सेकेंड रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में, अब देखो अगर आई आता है तो छोटी ई बनती है, अगर डबल ई और ई ए आ जाता है तो बड़ी ई बनती है। अगर किसी भी सेंटेंस में, सॉरी अगर किसी भी वर्ड में या स्पेलिंग में ई आ जाए, ई ई आ जाए तो वो ए बनता है, ए एडी होती है ना, वो वाला बन जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी स्पेलिंग में ए आ जाता है ना, ए आ जाता है तो वो आई एन एफ होता है ना, वो बन जाता है, जिस पर एक तो ए ए डी होता है। और देखो ए ए डी की हिंदी में क्या लगाते हो आप, मात्रा, ये वाली ना, और आई एन एफ की क्या लगाते हो भाई, ये एक मात्रा ये, और देखिए दो दो मात्रा लगती है ना, अरे दो लगती है ना, इसके लिए दो लगती है। तो अब ऐसे ही हम इंग्लिश में क्या करेंगे, इस ए के लिए तो क्या लिख देंगे बताओ, ई लगा देंगे, एक ई, और आई एनक की जो मात्रा आती है उसके लिए पहले तो ऐसे जाएंगे उल्टा ई और फिर एक इधर वाला ई, ठीक है। यानी ई को डबल कर दो, एक बार उल्टा कर दो, एक बार सीधा कर दो, ठीक है, ऐसे बना देना, एक बार उल्टा और एक बार सीधा। तो ये देखो अगर किसी भी स्पेलिंग में ई आता है तो वो ए बन जाता है, यानी एक ई बन जाता है। और अगर किसी स्पेलिंग में ए आता है तो वो उल्टी सीधी वाली जो ई है वो वाला सिंबल बन जाता है, ठीक है, यानी कि आई वाला बन जाता है, आई। ओके अब इसे कुछ एग्जांपल हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो जैसे मैट, मेट, एम ई टी, मेट, ठीक है, मीट की सेकेंड फॉर्म हो गई मेट, ठीक है, मेट एक ही है तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, एम ई टी। अब एस ई टी, बी ई टी, एन ई टी, तो ये सेम के सेम ही रहेंगे भाई, ई आ रहा है तो ई का ई बन गया। लेकिन आप अदर साइड देखिए, जैसे एम ए टी है ना, तो एम का सिंबल तो ये हो गया, हुआ ना, तो आप देखो एम का सिंबल ये हो गया। अब ए, ए के सिंबल के लिए मैंने बताया था एक उल्टी और एक सीधी आ गई, और फिर टी का ये मेट बन गया। दूसरा है सेट, सेट अपन बोलते हैं सेट, तो हम इसकी जो वो है वो कैसे बन जाएगी, एस ये उल्टा ई सीधा फिर टी, सेट, बेट, तो अब बैट बोलते हैं, सेट, बैट, मैट, लेड ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन ये होता क्या है, मेट, सेट, बेट, लेड, ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल हैं मैंने आपको दिए हैं, वो अपने फेयर नोटबुक में कर लेना, जैसे चेड, फेट, मेट, बेक, बैक नहीं होता है बेक, लैक नहीं होता है लेक, फेड, बेस्ट, रेस्ट, लेड, रेड नहीं होता है रेड, चेस्ट, रेड, बेड, मेड, लैट, लेट एंड पेट एसेट्रा। ये आपको घर का वर्क है और ये मैंने आपको समझा दिए हैं, और नेक्स्ट जो रूल है वो अपनी अगली क्लास में होंगे। थैंक यू ऑल फॉर दिस क्लास।